हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। कहाँ थे लास्ट क्लास में? कॉस इनवर्स कॉस का टैन हो गया था। टैन इनवर्स टैन एक्स टैन आवाज कैसे आ रही है तुम्हारी भाई? ऐसे इंटरनेट गड़बड़ गया तेरा? टैन इनवर्स टैन का हो गया था सर। यस सर शायद इंटरनेट स्लो है क्या? यस सर प्रतांग बोल रहे हो क्या? अरे यस सर प्रतांग यार, आज मैंने ऐसे ही डेमो के लिए यूट्यूब लाइव किया था, हुआ नहीं हमसे, ऐसे किया था। देखा था क्या फिर से एक बार करिएगा। क्या सर? YouTube लाइव किया था? हेलो देखा था क्या YouTube लाइव किया था? यस सर, किए थे, सर कमेंट भी किए थे इसका। नोटिफिकेशन, सर सर कमेंट भी किए नोटिफिकेशन थे आया उसका। था लेकिन देखे नहीं, तो बाप बर्थडे में अरे बहुत, तेरा तो इंटरनेट गड़बड़ लग रहा है हमको आज। चलिए सर। नेक्स्ट भाई चुप नेक्स्ट रहो तुम। अगला लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ वाई बराबर कॉट इनवर्स कॉटेक्स। कॉट इनवर्स कॉटेक्स, दिस इज योर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह हम लोगों ने पाई डाल दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई। होता है सर। कॉट इनवर्स कॉट पाई प्लस एक्स, सो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बराबर कॉट इनवर्स कॉट एक्स। तो ये एफ एक्स बन गया फिर से, दैट मीन्स द पीरियड इज अगेन पाई। तो पीरियड इज अगेन पाई। अच्छा कॉट एक्स को कौन सी वैल्यू पसंद नहीं है? एन पाई। तो इसके डोमेन में से कौन से पॉइंट निकाल दिए जाएंगे? आर माइनस एन पाई। इसके डोमेन में से कौन से पॉइंट निकाल दिए जाएंगे भाई? आर माइनस एन पाई, क्योंकि सर कॉट को प्रॉब्लम कहां पर होती है? पाई के मल्टीपल पे। सही है ना रे? जैसे टेन को कहां पे प्रॉब्लम होती है? पाई बाई टू पे। तो ऑड इसका डोमेन कितना होगा बताओ जल्दी से? वन टेबल ऑफ 5/8। आर माइनस कितना? एन पाई। इसकी रेंज क्या होगी भाई? ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ओपन इंटरवल 0 टू कितना? पाई। सो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन बहुत जल्दी से, वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना लेते हैं। तो कौन कौन से कहां से जाएगा इसकी ग्राफ? अगर आप करना ही चाहो तो ये बनेगा कॉट वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो वाई बराबर कितना? एन पाई प्लस एक्स। वाई बराबर एन पाई प्लस कितना? एक्स। तो हमारे पास n बराबर, हमने 0 लिया तो 0 से पाई के बीच में बनेगा, तो पहला लाइन y बराबर x बनेगा। ये वाली इसकी एसिम्प्टोट हो जाएगी, ये भी इसकी एसिम्प्टोट हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला लाइन आएगा वो ये ऐसे जाएगा, फिर अगला लाइन आएगा वो ऐसे जाएगा, फिर अगला लाइन आएगा वो ऐसे जाएगा, फिर अगला इधर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बनाते जाओ आप। ये पॉइंट हो गया पाई। अब इन लाइन के इक्वेशन लिखने चाहो तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, वाई बराबर कितना? एक्स। ये लाइन, ये कितना पॉइंट है भाई? पाई। ये टू पाई, ये माइनस पाई, और ये कितना? माइनस टू पाई। तो ये नीचे इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, सबकी स्लोप तो पॉजिटिव ही है ना भाई, स्लोप सबकी पॉजिटिव ही है। तो ये बन जाएगा वाई बराबर एक्स माइनस पाई, ये बन जाएगा वाई बराबर एक्स माइनस टू पाई, ये बन जाएगा वाई बराबर एक्स प्लस पाई, ये बन जाएगा वाई बराबर एक्स प्लस टू पाई, क्योंकि ऊपर इंटरसेप्ट काट रहा है। ये बताइए साहब, इस फंक्शन के बारे में डोमेन डिस्कस कर लिया, रेंज डिस्कस कर लिया, पीरियड डिस्कस कर लिया, आप बताइए क्या रिमेनिंग है?
बोलेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, सो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस एक्स, कॉट पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होगा, कॉट इनवर्स माइनस कॉट एक्स, और कॉट इनवर्स नेगेटिव क्या देगा भाई साहब बताइए, पाई माइनस समथिंग देगा, yes, sir. तो इसका मतलब ये क्या है भाई, नाइदर इवन नॉर ऑड, इसके अंदर हमें कोई सिमेट्री दिखाई भी नहीं दे रही है, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, दिस इज कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, सो कॉट इनवर्स माइनस एक्स देता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, दैट मीन्स नाइदर इवन नॉर ऑड, दैट मीन्स नाइदर इवन नॉर ऑड। क्या ये फंक्शन बाउंडेड है, यस ये फंक्शन बाउंडेड है, क्या इसमें लोअर बाउंड है, नहीं है, क्या इसमें अपर बाउंड है, ये भी नहीं है, ये फंक्शन मनी वन है क्या, यस ये मनी वन भी है, उतार लीजिए इसको, सर राइट साइड में ऊपर में क्या लिखे हैं, ऊपर में कहां पे बेटा, ये वाला सर ग्राफ के ऊपर, वो तो कॉट वाई बराबर कॉट एक्स लिखा है, अच्छा ओके सर, सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, बोर्ड का लेफ्ट नहीं दिख रहा है क्लियर, वाट से नहीं, कौन सा हिस्सा नेटवर्क के कारण सर पूरा धुंधला आ रहा है, आपका नेटवर्क गड़बड़ है बच्चा, अब ठीक हो गया सर, चलो बहुत अच्छी बात है, हो गया होगा, नो सर, हो गया क्या भाई, भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, वाई बराबर सेक इनवर्स सेक एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स कैसे बनेगा बताइए मुझे आप, पीरियड तो इसका टू पाई होगा, जो पीरियड कॉस एक्स का था वो पीरियड होगा इसका, पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी बराबर टू पाई, ये बताइए डोमेन किसका होगा इसके अंदर, डोमेन भी वही होगा जो किसका डोमेन था, टेन एक्स का, टेन एक्स, कौन से पॉइंट आप एक्सक्लूड करोगे यहां पे,
आर माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। रेंज की बात क्या करोगे भाई, रेंज जीरो से पाई, जीरो से पाई लेना पड़ेगा। ग्राफ इज सेम एज, मैं ऐसे लिख देता हूं, ग्राफ इज सेम एज व्हाट, y बराबर cos इनवर्स cos x एक्सक्लूडिंग x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। उन पॉइंट्स को हटा दीजिए। सो cos इनवर्स cos x का ग्राफ आप लोग जानते हो, सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर कर दीजिए ऐसे, और उसके बाद गाड़ी चला दीजिए। ये वाला पॉइंट कितना होगा भाई साहब बताइए, पाई, ये वाई और ये ओरिजिन होगा भाई। अब बनाओ जरा, कौन से पॉइंट को एक्सक्लूड करोगे बता के दिखाओ मुझे, बना के दिखाओ सब बच्चा लोग, मुझे बना के दिखाओ भाई कौन से पॉइंट्स को आप एक्सक्लूड करोगे, क्योंकि कौन से पॉइंट को आपको एक्सक्लूड करना है बताओ। पाई को थोड़ी यार, इनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो ये टू पाई हो गया, ये फोर पाई हो गया, ये माइनस टू पाई हो गया। तो ये पॉइंट कितना बच्चा बोल, पाई बोलना। यस सर। अब बता कौन सा पॉइंट गायब होगा, जीरो से पाई के बीच में पाई बाई टू आएगा क्या? यस सर। गोला लगा दे, फिर पाई और टू पाई के बीच थ्री पाई बाई टू आएगा क्या? यस सर। गोला लगा दे, फिर यहां भी गोला लगा दे, यहां भी लगा दे, ये कौन सा पॉइंट आएगा, टू पाई प्लस पाई बाई टू, ये इधर कौन सा आएगा बताइए, ये इधर क्या वैल्यू है, माइनस पाई, माइनस पाई बाई टू पॉइंट आएगा, माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री, यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा बताइए, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। ये ग्राफ आपका तैयार हो गया। हो गया भाई। हाँ भाई, तो सेम ग्राफ अगला भी बन जाएगा, वाई बराबर कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। नेक्स्ट एंड इस सीरीज का लास्ट ग्राफ, वाई बराबर कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। इसका भी पीरियड कितना होगा भाई बताइए, कोसेक का पीरियड टू पाई, तो इसका भी टू पाई। इसका डोमेन कितना होगा, आर माइनस कितना, एन पाई, एन पाई। ये समझ में आ रहा है, एन पाई क्यों? यस सर। और इसका रेंज कितना होगा बताइए, पाई पे, माइनस पाई बाई टू से कितना, पाई बाई टू सर, रेंज सर, हाँ माइनस पाई बाई टू से कितना होगा, पाई बाई टू, रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा ना, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी।
बीच में जीरो गायब होगा? यस सर। बीच में कौन गायब होगा? यस सर। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू बीच में जीरो वाले पॉइंट्स गायब हो जाएंगे। तो आप तो अगर रेंज ऐसा ना लिखें तो ज्यादा बेहतर है कि आप ये लिख दें भाई सीधा सीधा, ये ना लिखें तो भी ठीक है। और इस प्रकार से आप कॉस इनवर्स जो लास्ट में सेक इनवर्स सेक एक्स किया उसके अंदर भी रेंज में वो पॉइंट नहीं आएंगे जो गोले कर रखे हैं, उसको भी आप चाहे चाहो तो वहां पे लिख सकते हो। तो यहां पे कितना आएगा भाई? द ग्राफ इज सेम एज द ग्राफ इज सेम एज वाई बराबर कौन बोलो? साइन इनवर्स साइन एक्स एक्सक्लूडिंग एक्स बराबर एन पाई, एक्सक्लूडिंग एक्स बराबर एन पाई। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आपको आता ही है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये ऐसे गाड़ी ऐसे बनाओ और गाड़ी चला दो, ये क्या है भाई बताओ? पाई बाई टू। ये कितना भाई? माइनस पाई बाई टू। अब बताओ इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट गायब है? ये पॉइंट गायब है, ये गायब है, तो ये पॉइंट रेंज में से भी क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। मतलब अगर आप रेंज लिखोगे इसकी तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिख दो और माइनस कितना कर दो भाई? एन पाई कर दो। एन पाई मतलब रेंज में से एक पॉइंट हट जाएंगे आपके पास। खैर वो इतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सारे पॉइंट यहां से हटा दीजिए आप। ये वाला पॉइंट कितना होता है बताइए भाई? पाई बाई टू ही होता है, और ये पाई होता है, ये कितना होता है? टू पाई। ये इधर माइनस पाई और ये इधर कितना? माइनस टू पाई। पीरियड इसका टू पाई है सर। हाँ भाई कोसेक एक्स का पीरियड टू पाई होता है, तो अंदर वाले का पीरियड होगा भाई तो इनवर्स का पीरियड होगा। भाई कोसेक एक्स का पीरियड किसकी तरह होता है? साइन एक्स की तरह ही तो होता है। यस सर, इसीलिए। अरे भाई कोसेक टू पाई प्लस एक्स कितना होता है यार? कोसेक एक्स ही तो होता है, करके देख लो, ज्यादा गड़बड़ हो रही है तो। अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है तो आप चेक करके देख सकते हैं। हो गया भाई? ओए बच्चा लोग। यस सर। चलिए कुछ क्वेश्चन हो गया सर। लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ कॉस ऑफ टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/9। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ कॉस उसके अंदर का एंगल है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/9। Thank you.
हाँ भाई हो गया। ये प्योरली मेंस बेसिस क्वेश्चन है। जब भी आपकी जिंदगी में इस टाइप का सवाल आए तो क्या करोगे बाबा बताओ। इस साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, तो इसे थीटा माना तो ये क्या बन गया, कॉस टू थीटा बराबर कितना 1/9। कॉस टू थीटा बराबर 1/9। अब आप सुपर हीट फॉर्मूला जानते हैं, याद करिए मिस्टर पांडे, नाम याद आ रहा है सुपर हीट फॉर्मूला, कॉस टू थीटा बराबर 1-2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस टू थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू अवेलेबल है, एक्स है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1-2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/9। साइन थीटा का वैल्यू एक्स है तो 1-2x² बराबर कितना 1/9, तो ये 1-1/9 बराबर कितना 2x² 9 में 1 गया तो कितना बचा 8/9 बराबर 2x², तो x² बराबर 4/9, तो x बराबर +-2/3। देख लो भाई x कौन है, साइन थीटा है, साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, और माइनस का 2/3 बिलोंग्स टू -1 से 1, इसीलिए x के दोनों मान ट्रू है। माइनस प्लस -2/3 -1 से 1 के बीच में होता है क्योंकि x बराबर अगर साइन थीटा हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में। अगर ये मान -1 से 1 के बाहर आता तो ये आंसर नहीं माना जाता क्योंकि उसके रेंज के बाहर नहीं जा सकता। हो गया भाई? यस सर। लेकिन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द टोटल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। सच दैट cos of cos inverse x बराबर cosec of cosec inverse x। cos of cos inverse x बराबर cosec of cosec inverse x। जिसको भी आंसर बताना है अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। ये प्रीति कौन है भाई? प्रीति वो इज प्रीति प्रीति गायब हो गई। प्रीति का नाम पुकारा, प्रीति भाग गई। कोई आंसर बताएगा मिस्टर अभिनव? गेट सर बनाड। ये लड़की सौम्या, यस सर। समझ में आ रहा तुमको बेटा आंसर दे रही हो?
हाँ सर। ये प्रीति तुम्हारे बैच में अच्छी है क्या? सर नहीं, हम लोग के बैच में कोई प्रीति नहीं है। तो ये कोई ऐसे ही आ गई क्या? पता नहीं सर। मैं अब एक ग्रुप बनाऊंगा और इसके अंदर मुझे प्योर आइडेंटिटी चाहिए। मैं हर किसी को नहीं घुसने दूंगा इस ग्रुप में। हाँ जी, मुझे एक बात बताइए, आप देखिए इधर आओ आप लोग। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। मिस्टर पांडे, अगर बाहर में कॉस है, वाई बराबर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल टू वन, प्लस माइनस वन आएगा। मिस्टर अभिनव, दो आंसर आएंगे। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स कब होता है बताइए? जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन होता है, यस और नो? अरे बोलो ना भाई। यस सर। और दूसरा यहां पर कौन है बताओ? कॉसेक ऑफ कौन है? कॉसेक इनवर्स एक्स, ये माइनस इनफिनिटी से माइनस, ये कब होता है बताइए भाई? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इनफिनिटी। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो बराबर कितना है? एक्स तो इसके पास माइनस वन है, इसके पास वन है, बोले yes, sir. Yes, sir. इसके पास भी माइनस वन है, इसके पास भी वन है। यस सर। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? एक्स बराबर कितना? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन। यस सर। आंसर इज टू, प्लस माइनस वन इज द राइट आंसर। प्लस माइनस वन इज द राइट आंसर। हो गया? ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। हाँ भाई, हो गया? अगला एक और आंसर बताओ यार जल्दी से। सेम सवाल है, मैं ऊपर का हेडिंग सेम है। वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर 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 साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसका आंसर अब तुरंत आ जाना चाहिए। जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा ले ले, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। पहले और दूसरे दोनों का आंसर बताइए फटाफट। अरे भाई बहुत आसान है यार। पहले का आंसर बताऊं तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। कब होता है यार? जब एक्स बिलोंग्स टू आर। और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। एक्स होता है कब? जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन होता है। तो इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन कितना मिला? माइनस वन से कितना? वन। नहीं समझ में आया? हाँ आ गया सर। आ गया तो अगला सवाल करके बताइए। सेकंड हो जाएगा? यस। नेक्स्ट। सर बिहार में प्रॉब्लम है सर। अगला सवाल लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ
टेन ऑफ एक बटा दो कॉस इनवर्स अंडर रूट पांच बटा तीन, साइन ऑफ, साइन का भी ले लो एक सवाल, माइनस तीन बटा पांच, इनवर्स है, टेन है बाहर, टेन है इनवर्स नहीं है, अरे भाई इनवर्स नहीं है यार, जो खाना खाए घर गए अबे आ गया इस टाइप के सवाल आपको करने आते हैं क्या आजकल आईटी में सवाल आते हैं इस टाइप के सॉल्यूशन नंबर वन देखिए जो भी इनवर्स वाला बंदा उसको थीटा मान लिया करो तो माना लेट कॉस इनवर्स अंडर रूट पांच बटा तीन बराबर थीटा यस सर एक्स कॉस एक्स रूट तो अंडर रूट पांच बटा तीन बराबर कॉस थीटा तो उसका हाल क्या हो जाएगा e बराबर 10 थीटा बाई टू 10 थीटा बाई टू हो गया 10 थीटा बाई टू का वैल्यू चाहिए तो 10 थीटा बाई टू बराबर क्या लिख सकते हैं आप अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा सुपर इससे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और ये टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू साइन बाई कॉस कितना 10 वैल्यू दर दो भाई कॉस थीटा की वन माइनस अंडर रूट पांच बटा तीन बाई वन प्लस अंडर रूट पांच बटा तीन सिंप्लीफाई कर लीजिए तीन माइनस अंडर रूट पांच बटा तीन प्लस अंडर रूट पांच तीन माइनस अंडर रूट पांच बटा तीन माइनस अंडर रूट पांच रेशलाइज कर दिया तो ये कितना हो जाएगा भाई थ्री माइनस कितना अंडर रूट पांच बाहर आ जाएगा नाइन माइनस कितना पांच सो थ्री माइनस अंडर रूट पांच बटा कितना आ गया चार थ्री माइनस अंडर रूट फाइव बाई फोर आ गया सर रूट है ना कहां पे इसमें सर फोर टू होगा ना ये स्क्वायर यस 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 थैंक यू टू आएगा थैंक यू अरे भाई ये प्रीति दोबारा आ गई कौन है प्रीति का पता लगाओ कौन है हु इज प्रीति
हेलो, कौन है प्रीति? फिर गायब हो गई। हाँ भाई, ये कौन है बताइए, लड़का है कि लड़की है? बता दो नहीं तो मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा। अरे कम से कम बोलना तो सीखो यार, कौन से क्लास कर रहे हो, कौन हो, गुमनाम हो गया? चलिए, पहले का आंसर कितना आ गया भाई? 3 - √5/5। नाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 सेम तरीके से। इस वाले बंदे को क्या मानिए आप? थीटा। इस वाले बंदे को क्या मानिए? थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2। माना कॉस इनवर्स -3/5 बराबर थीटा। कॉस थीटा बराबर -3/5। हाँ भाई, कॉस थीटा नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन थीटा निकालो कितना आएगा? साइन थीटा सर, साइन थीटा हो जाएगा 4/5। सेकंड क्वाड्रेंट तो बताइए साइन थीटा कितना आएगा, जल्दी बताइए। माइनस हटा दो ना, 4/5। साइन थीटा मिल गया तो ये क्या मिलेगा? साइन। इसको थीटा माना तो ये साइन 2 थीटा हो गया। फॉर्मूला बोल 2 साइन थीटा इंटू कितना? कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 4/5, कॉस थीटा का वैल्यू -3/5। 4 × 12 = 24, माइनस का 24/25 आंसर। माइनस का 24/25 इज द आंसर। हो गया? Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स जेड का होल स्क्वायर बराबर 3π² / 4, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ भाई, अब मीटिंग खत्म होने वाली है। वर्क में छोड़ दीजिए सर। होमवर्क में छोड़ दीजिए। होमवर्क छोड़ दें? यस सर। चलिए फिर मिलते हैं कल। -3 कौन बोला? यस सर। कौन? अर्शद। अर्शद एब्सोल्युटली करेक्ट। -3